हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो पार्ट नंबर 15वां पार्ट जो था, उसमें हमने बात की थी दो आव्यूहों के गुणनफल की, और ये भी कहा था कि इस चैप्टर का जो है सबसे मजबूत बेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बेस यही है, ये मेन आधार है यही। अगर दो आव्यूहों का गुणनफल करना सीख गए, ठीक, तो समझ लीजिए कि आगे जितने भी क्वेश्चन जो बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं सब उस पर कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं, तो सबको जो है हल किया जा सकता है। ठीक, आइए, तो पिछली वीडियो में हमने आव्यूहों का गुणनफल करना बताया था, फिर भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, खाली ऐसे ही सुन लो सब लोग। ठीक, तो दो आव्यूहों ए और बी, अब इनके अगर गुणनफल की बात की जाए तो ए इंटू बी तब संभव होगा जब ए के पंक्तियों की संख्या, सॉरी, ए के स्तंभों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ए इंटू बी तभी संभव जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। बी इंटू ए, यह भी तो गुणनफल है। अगर b इंटू ए की बात की जाए तो b के स्तंभों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, b के स्तंभों की संख्या a के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और हमने एक आध एग्जाम्पल भी दिया कि जो है करवाया था, और कोई वर्क भी तुम लोगों को दिया गया था, तो उम्मीद है कि उस वर्क को तुम लोग करोगे या किए होगे। ठीक, अब आगे आज हम फिर एक आध क्वेश्चन तुम लोगों को जो है कैसे गुणा किया जाता है, हमारा हाथ ध्यान से देखिएगा हम कहां कहां किसका गुणा कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लोगे तो गुणन फल जो है दो आव्यूहों का ज्ञात किया जो है ज्ञात कर सकते हो तुम लोग। ठीक, तो आइए एक आध एग्जाम्पल और बात करें, और उसके बाद जो है तुम लोगों के लिए काफी क्वेश्चन छोड़े जाएंगे, तो देखना फिर। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर दो पे से। एग्जाम्पल नंबर दो, दो यदि ए बराबर, बुक से ही उठा ले क्वेश्चन कुछ तो देखा जाएगा कैसे क्या है। यदि ए बराबर 0 3 4 0 3 4 2 1 - 2 2 1 - 2 1 - 3 - 1 तथा बी बराबर 2 1 3 2 1 3 2 1 3 -1 0 - 2 यदि a बराबर, इतना फिर से एक बार मिला लें, a बराबर 0 3 4 2 1 - 2 1 - 3 - 1 बी क्या है 2 1 3 2 1 3 - 1 0 - 2 ठीक, तब a इंटू बी तथा b इंटू ए यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। हमने यह शब्द क्या क्यों लगाया कि यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए, यदि संभव होगा मतलब कभी कभी असंभव होता है गुणा करना, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि एक एक बार ऐसा हो जाता है कि असंभव हो जाता है। असंभव कब होता है, जब पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होती है, तब गुणनफल जो है असंभव हो जाता है। ठीक, तो आइए अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने का एक बार फिर हम तरीका पूरा बता रहे हैं, बाय आंसर सब कुछ लिखेंगे। ठीक, तो तुम लोग गुणा वैसे ही सिस्टमेटिक करिएगा। आइए सॉल्यूशन, आव्यूह ए बराबर
जो भी दिया गया क्या दिया है, 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1 तथा b बराबर, तथा b बराबर क्या है, 2 1 3 -1 0 -2 समीकरण नंबर 1। आइए सबसे पहले बात करें a इंटू बी की, तो इसलिए a इंटू बी बराबर, तो a वाला क्या है, 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1 इंटू में b वाले की बात करें तो क्या है, 2 1 3 -1 0 2। तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि गुणनफल संभव है कि नहीं है। अब गुणनफल संभव है कि नहीं चाहिए देखने के लिए, चलिए पहले वाले में देखो स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो पहले वाले में कई स्तंभ है, 3, और दूसरे वाले में कई पंक्ति है, 2, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यहां a इंटू बी निकालना असंभव है। क्यों, कारण फिर भाई तो बता देते हैं, अभी एक बार फिर दोहरा देंगे, तो यह लिखोगे असंभव, असंभव। अपनी जानकारी के लिए जाने रहिएगा कि क्यों, क्योंकि पहले वाले में इसमें स्तंभों की संख्या 3 स्तंभ है यहां, और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यह द्वितीय पंक्ति है, एमन 3 स्तंभ एमन 2 पंक्ति, तो इसलिए गुणनफल संभव नहीं होगा। ठीक, तो इंप्लाइज दैट a इंटू बी बराबर असंभव, एक चीज हो गया। अब नीचे तुम लोग पुनः करके शुरू करोगे, आगे देखें पुनः b इंटू a निकाला गया, जब यहां तक हो जाएगा नीचे लिखोगे पुनः b इंटू a, तो पहले b वाला अब यहां लिखा जाएगा 2 1 3 और यहां -1 0 2 इंटू ए वाला, ए वाला क्या है, 0 3 4 2 1 -2 और 1 -3 -1। ठीक, अब फिर चेक करो कि संभव है कि नहीं संभव है। संभव कब होगा, जब पहले वाले में स्तंभों की संख्या 3 स्तंभ, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो 3 स्तंभ यहां, यहां 3 पंक्ति है, तो ये संभव है कि नहीं है। ठीक, संभव है। क्यों, क्योंकि पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक, गुणा कैसे किया जाएगा, अब आइए जब संभव है तो गुणा किया जाएगा, कैसे करोगे ध्यान देना, यहां हाथ हमारा बहुत ध्यान से, यहां इस वाले आव्यूह में जो पहली पंक्ति है इसको उठाएंगे इस, और दूसरे वाले के पहले स्तंभ में, फिर दूसरे वाले के दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरे वाले के तीसरे स्तंभ में, ऐसे जितने भी स्तंभ है सब में करते हुए चले जाएंगे। कैसे करेंगे, इनका गुणा इनके साथ, फिर प्लस इनका गुणा इनके साथ, फिर प्लस इनका गुणा इनके साथ। तो आइए करें गुणा, 2 0 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, फिर प्लस 1 2 2 तो ये 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 1 3। अब इनका काम इनमें समाप्त हो गया, जब ये समाप्त हो गया थोड़ा सा गैप करके, फिर इन्हीं का काम इनमें ऐसे करते हैं, जैसे इसके साथ किए थे वैसे इसके साथ करेंगे। तो आइए देखें, 2 3 6 फिर प्लस 1 1 1 फिर प्लस 3 3 9 लेकिन -9, -9 हो जाएगा, ब्रेकअप। अब इसमें हो गया इनका काम, अब इसमें बचा हुआ है तो इसमें भी चलो, 2 4 8 फिर प्लस 1 2 2 तो -2 चिन्ह का भी गुणा होगा ना, फिर प्लस 3 1 3 तो -3 -3। इनका हाथ देखिएगा हमारा, इनका
इनमें भी हो गया, इनमें भी हो गया, इनमें भी हो गया, और लिखने का सिस्टम ऐसे, जब इनका इनमें करेंगे तो यहां लिखेंगे, जब इनका इनमें करेंगे तो यहां लिखेंगे, जब इनका इनमें करेंगे तो यहां लिखेंगे। अब इनका काम तमाम हो गया, खत्म। अब जैसे इनका इनका किए थे वैसे इनका इनका भी करेंगे, तो लेकिन लिखना कहां से शुरू, अब नीचे है ना, तो नीचे लिखेंगे। चलिए फिर देखो, यहां माइनस एक गुणे जीरो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो गुणे दुई जीरो हो जाएगा, फिर प्लस दो एक के दो, ये हो गया। इनका काम इनमें हो गया, अब इनमें करेंगे। फिर देखो माइनस एक गुणे तीन तो माइनस तीन, फिर प्लस जीरो गुणे एक जीरो हो जाएगा, फिर प्लस दो तिहाई छ तो माइनस छ प्लस तीन माइनस छ, इनमें भी हो गया। अब यहां देखना इनमें करते, अब इनमें चलने करें, माइनस एक गुणे चार तो माइनस चार गैप करके ना, फिर प्लस जीरो गुणे माइनस दो तो जीरो हो जाएगा, फिर दो गुणे माइनस एक तो प्लस में माइनस दो हो जाएगा। यहां काम तमाम हो गया ना, इनका इनका, अब नीचे कुछ बचा नहीं, ठीक। और जब ये हो गया तो अब जोड़ घटाव करना तो सबको पता ही होगा, जोड़ घटाव करना सबको पता ही होगा बराबर। आइए इनको जोड़ोगे, दो तीन दो पांच हो जाएगा, छः एक सात और माइनस नौ तो माइनस दो हो जाएगा, आठ माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच हो गया तो तीन बचेगा, यहाँ दो है देखो, माइनस तीन माइनस छः तो माइनस नौ हो जाएगा, और यहाँ माइनस चार माइनस दो तो माइनस छः हो जाएगा, तो इम्प्लाई बी इन टू एन, याद हो गया बी इन टू एन। अब लास्ट में आंसर लिख देना, आंसर ए इंटू बी बराबर असंभव, असंभव का मान बी इंटू ए बराबर क्या आया है, यही आया है देखेंगे, पांच माइनस दो तीन दो माइनस माइनस छ। आइए आंसर चेक कर लेते हैं और फिर बताते हैं तुम लोगों के यहाँ आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक। अच्छा तुम लोगों के बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे तो उसका गुणा करके तुम लोग अपना आंसर मिलाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक। ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी असंभव है, ठीक है वो भी, और ये पाँच माइनस दो तीन माइनस दो तीन माइनस दो, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, फिर भी एक बार तुम लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, देखिएगा कि सही है कि नहीं है, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो गुणा इस प्रकार से किया जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर बहुत ध्यान से तुम लोग समझोगे देखोगे तो इतना जो है गुणा आसानी से कर सकते हो। अब आइए आव्यूहों के गुणनफल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नोट पे चर्चा कर लिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पे चर्चा कर लिया जाए, उसको भी जानना अति आवश्यक है, ठीक। तो चलिए फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं आव्यूहों के गुणनफल संबंधी महत्वपूर्ण नोट। आव्यूहों के गुणनफल संबंधी महत्वपूर्ण नोट, नंबर एक, ठीक। आइए पहला पॉइंट, यदि ए तथा बी दो आव्यूह इस प्रकार हो कि ए इंटू बी का अस्तित्व है, मतलब इन संभव है, ठीक, का अस्तित्व है, तब
यह आवश्यक नहीं है, तब यह आवश्यक नहीं है कि b इंटू ए का भी अस्तित्व हो, भी अस्तित्व हो। मतलब अगर दो आव्यूह a और b इस प्रकार हैं कि a इंटू बी संभव है, तो यह जरूरी नहीं कि b इंटू ए भी संभव हो। इसका उल्टा, यदि दो आव्यूह a और b इस प्रकार हैं कि b इंटू ए संभव है, तब यह आवश्यक नहीं है कि a इंटू बी भी संभव हो। जरूरी नहीं है, हो भी सकता। ठीक, आइए दूसरा पॉइंट। यदि a तथा b दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि a इंटू बी तथा b इंटू ए दोनों का अस्तित्व है, मतलब दोनों संभव है। ठीक, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि a इंटू बी तथा b इंटू ए समान आव्यूह। अब कभी कभी ऐसा होगा कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों संभव होगा, लेकिन संभव होने पर यह जरूरी नहीं है कि समान हो भी सकता है। ठीक, दैट इज a इंटू बी नॉट इज इक्वल टू b इंटू ए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो आव्यूहों के गुणनफल में कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। मामला समझ में आया होगा? ठीक, तो ये भी जाने रहिएगा। ऐसे नंबर तीन, इसको बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऐसे लिखोगे, यदि a कामा b तथा c, ठीक, तीन आव्यूह इस प्रकार है कि, ऐसे बच्चे नहीं, तीन आव्यूह इस प्रकार है कि a इंटू बी इंटू सी संभव है, तब क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी होगा। मतलब शास्त्रीय नियम का पालन करता है, लेकिन कर्म ध्यान देख रहे होंगे, कर्म नहीं बदला। हाँ, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, फिर इनका कर लो, जो आएगा। तो ऐसे इसमें पहले इन दोनों का कर लो, फिर इसका कर लो, लेकिन कर्म ध्यान रहे। आई बात समझ में? तो यह भी हो सकता है, गुणा जो है कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन शास्त्रीय नियम तो लागू होता है, अगर संभव है तब। ठीक, फिर देखिए चौथा पॉइंट। यदि ऐसे लिखोगे तुम लोग, यदि a कामा b का तथा c तीन आव्यूह क्रमशः यम क्रास यम कामा यन क्रास कामायन क्रास पी तथा पी क्रास क्यू। नहीं, ऐसे यम क्रास पी का भी दोनों समान, यम क्रास पी। हाँ, फिर से देखिएगा, यदि तीन आव्यूह ए कामा बी तथा सी क्रमशः यम क्रास यम कामायन क्रास पी तथा यन क्रास पी, मतलब ये दोनों समान आकर के होने चाहिए। ठीक, यन क्रास पी।
कि इस प्रकार हम की, फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि ए कामा बी कामा तथा सी ती क्रमशः इतने इतने तथा इतने कोटि के आव्य हो तब, कोटि के आव्य हो तब, तब के बाद डैश कर दीजिएगा, ए इंटू बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। यहाँ बी और सी समान कोटि के क्यों होने चाहिए, क्योंकि उनका योगफल तभी संभव होगा, योगफल के रूप में हम बात तब करेंगे, मामला समझ में आया, तो ऐसा भी होता है। ठीक, इसी प्रकार ऐसे पांचवा यह भी जाने रहिएगा कि अगर अगर या क्या वही मामला है या रहने दो ऐसे अगर, ठीक, फिर से पॉइंट ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए कामा बी तथा सी क्रमशः क्रमशः यम क्रॉस यन कामा यम क्रॉस यन, यम क्रॉस यन का मतलब है ए भी यम क्रॉस यन का और बी भी यम क्रॉस यन का, तथा सी तथा क्रमशः ना, तो सी यन क्रॉस पी कोटि के आव्यूह हो तब, तब के बाद डैश कर दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी बी सी। याद रखिएगा जैसे क्रम जिस रूप में है उसी रूप में होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे भी क्रम इधर था तो इधर इधर सी हो गया। मेन चीज क्रम का ध्यान रखना है, अगर गुणनफल संभव है योगफल संभव है तब। ठीक, अब ऐसे और ढेर सारी विशेषताएं हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम नोट करवाते चलेंगे, संभवतः तुम लोग उस सब चीज़ों को जो है अपनी बुक में भी देख सकते हो। ठीक, अब हम आइए चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली पे क्या कहें, यूं कहें कि इसी पर आधारित जो प्रश्न है, जो आने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है, हर टाइप के एक एक क्वेश्चनों की बात हम करेंगे, और जो उस टाइप के और क्वेश्चन होंगे तो तुम लोगों को हम वर्क देंगे वहां। मामला समझ में आया, तो गुणा करना तो तुम लोग सीख ही गए, गुणा करना सीख गए हो। ठीक, गुणा करने वाला, आइए अब आगे देखा जाए क्या है, इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन देखें, यदि ए बराबर, यदि ए बराबर, ए बराबर जीरो तीन दो एक तब ए स्क्वायर ज्ञात करो, ज्ञात करो। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, देखिएगा सोल्यूशन कैसे लिखोगे आप, जो आप जो ए बराबर जीरो तीन दो एक, समीकरण नंबर एक। ठीक, तो इसलिए ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, फिर बराबर ए वाला जीरो तीन दो एक, उसके बाद जीरो तीन दो एक, और गुणा जैसे किया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा गुणा करने का अब हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या, फॉर्म वही है, खाली जो प्लस प्लस करके लिखाते थे उसको थोड़ा डायरेक्ट अप कर दो, ऐसे ही करोगे, जैसे जीरो गुणे जीरो जीरो हो गया, प्लस में तीन दूनी छः, तो जीरो प्लस छः खाली छः आ गया, ऐसे ही जीरो गुणे तीन जीरो हो गया, तीन एक के तीन, तो जीरो प्लस तीन तीन हो गया। तुम लोग ऐसे करके देखोगे भैया क्या खाली हो जाएंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे जो जोड़ घटाने वाली। ठीक, इसका काम हो गया दो शून्य शून्य और प्लस में दो एक के दो शून्य और प्लस दो तो दो ही आएगा, और यहाँ दो तिहाई छः प्लस में एक एक के एक सात हो जाएगा, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी है। अब हम कुछ और लिखने का सिस्टम, ऐसे ही जहाँ पे कहेगा कि ज्ञात कीजिए वहाँ आंसर लिखोगे, जहाँ कहेगा सिद्ध कीजिए वहाँ आंसर प्रूफ लिखोगे। ठीक, तो आइए कुछ वर्क तुम लोगों को ही टाइप कर देते हैं, जो जैसे होता है कोशिश करिएगा कि हो जाए।
वर्क आइए देखें बीसी पे वर्क क्वेश्चन। यदि ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तब सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर बराबर वो जैसे वहां ए स्क्वायर ज्ञात करना था यहां सिद्ध करना है। ठीक, तो ज्ञात करने वाले में आंसर लिखते हो, सिद्ध करने वाले में हंस रूप लिख दोगे। तो सिद्ध कीजिए कॉस टू थीटा साइन टू थीटा और उसके बाद माइनस साइन टू थीटा उसके बाद कॉस टू थीटा एकदम सिस्टमेटिक वैसे ही करोगे, केवल आंसर की जगह हंस रूप लिख दोगे। ठीक, तो ये भी जो है आइए कुछ क्वेश्चन और देखें इसी टाइप जैसे जो है। ध्यान देना क्वेश्चन ये भी, यदि ए बराबर चार माइनस एक माइनस चार तीन जीरो माइनस तीन तीन जीरो माइनस चार है सॉरी माइनस चार फिर तीन माइनस एक माइनस तीन ध्यान दीजिएगा। तब दिखाइए दिखाइए सिद्ध कीजिए हुई है तब दिखाइए ए स्क्वायर बराबर आई थ्री। आई थ्री का मतलब तुम लोग समझते होगे इकाई आप दो तीन क्रास तीन का मतलब आई थ्री का मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब करोगे सिस्टमेटिक वैसे ही तुम लोग जैसे गुणा की करते हो वैसे करोगे और उसके बाद देखोगे ए स्क्वायर बराबर ये आ जाए लास्ट में एक लाइन चल करके ए स्क्वायर बराबर इसको आई थ्री लिखा जा सकता फिर इसको करके हैंस प्रूफ कर दोगे। मामला समझ में आया? ठीक, तो ये भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और इसी पे आधारित क्वेश्चन, यदि ए बराबर एक जीरो जीरो एक कामा बी बराबर जीरो एक एक जीरो है शायद तथा सी बराबर एक जीरो जीरो माइनस एक ये हो गया। तब दिखाइए या तब सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर आई टू। आई टू का मतलब भी हम साइड में याद दिला दें जानते तो ही है वही जीरो जीरो पर मतलब दो करा दो का इकाई होगी मतलब ए स्क्वायर निकालोगे ये आएगा बी स्क्वायर निकालोगे ये आएगा सी स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा। ठीक, ये दिखाना है। अब इसको करोगे कैसे? खाली हम खाका बना दे रहे हैं, बाकी काम तुम लोगों को करना है संख्या उसको फिलअप करके। ठीक, तो जब संख्या फिलअप करके आइए सॉल्यूशन इसको देखो कैसे करोगे। लिखोगे आप जो ए बराबर जो भी दिया है क्वेश्चन में देख सकते हो 1 0 0 1 कामा बी बराबर 0 1 1 0 तथा सी बराबर कैपिटल ए बी सी रहेगा ये जान लीजिएगा 1 0 0 -1 समीकरण बना देना। अब उसके बाद इसलिए ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए अब ए वाला इंटू ए वाला यहाँ कर लोगे। ठीक, उसके बाद यहाँ गुणा करोगे जब
तो गुणा करने के बाद जानते हो क्या मिलेगा, 1001 ये मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर। यहाँ तक मान लो पहुँच गए तुम लोग, यहाँ तक पहुँच जाओगे जब, उसके बाद क्या करोगे ध्यान देना, इसके बाद क्या करोगे तो इम्प्लाइड डेट एक लाइन और चढ़ करके ए स्क्वायर बराबर आई टू, समीकरण नंबर 2 लिखा जा सकता है ना, आई टू ही तो है। फिर उसके बाद पुनः बी स्क्वायर बराबर, तो b इंटू बी, आपकी बार b वाला यहाँ रखोगे, ठीक, जब b वाला यहाँ रखोगे तो ये भी जो है 1001 आना चाहिए, उसके बाद बराबर इसको i2 लिख सकते हो, तो इम्प्लाई डेट बी स्क्वायर समीकरण नंबर 3 यहाँ तक हो जाएगा, समीकरण 3 ऐसे बना लोगे, ठीक। उसके बाद पुनः c स्क्वायर बराबर c इंटू सी, मान रखोगे सी वाला दोनों खाका ये जो हम बना रहे हैं ये आप व्यू का, इसमें तुम लोग संख्या फिलअप करके गुणा कर लेना, जब इसको करोगे तो आएगा क्या 1001 सी स्क्वायर बराबर। फिर उसके बाद यहाँ हम बता दें, यहाँ के बाद यहाँ चले जाते हैं, तो इम्प्लाइड डेट सी स्क्वायर बराबर ए आई टू हो जाएगा कि नहीं, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा, समीकरण 4 बन जाएगा। जब समीकरण 4 बन जाएगा, खाली ये लिखने का सिस्टम हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से तुम लोग अपना लिखने की आदत डालोगे, ठीक। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो नीचे लिखोगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से भाई क्या है, एक पक्ष बराबर है तो सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर आई टू। फिर हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वही लिखते हो, नहीं मामला समझ में आया होगा, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए, फिर भी हम खाके फिर बताएंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो है अब इस टाइप के क्वेश्चनों को करोगे, ठीक। आगे देखा जाए, फिर क्वेश्चन आगे देखो, अगला चलो, क्वेश्चन यदि ए बराबर 3, 2, 1 1, 2, 3 -6 1 कामा बी बराबर क्या है 1, 4, 0 उसके बाद 2, 3, 0 2, 3, 0 उसके बाद क्या है 1, 2, 0 1, 2, 0 तथा सी बराबर क्या दिया गया है 1, 2, 3 3, 2, 1 उसके बाद 8, 7, 9 फिर उसके बाद 8, 7, 9 तब a इंटू बी माइनस a इंटू सी ज्ञात करो, a इंटू बी माइनस a इंटू सी ज्ञात करो ठीक। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, ये ध्यान देना कैसे सेट करना है, ठीक। गुणा करने वाला काम तुम लोग ही करोगे, वो अब हम नहीं करेंगे, हम केवल खाका तैयार कर दे रहे हैं, सिस्टम बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। सोल्यूशन सबसे पहले लिखोगे आप जो ए वाला छोटा छोटा लिख करके एडजस्ट कर लेना, 3, 2, 1 1, 2, 3 3 -6 1
कामा बी बराबर एक चार जीरो दो माइनस तीन जीरो एक दो जीरो तथा सी बराबर ऐसा लिखेगा कि एक लाइन में सेट हो जाए थोड़ा अपने हिसाब से एक दो तीन तीन दो एक आठ सात नौ समीकरण नंबर एक बना लेना ठीक। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इसलिए निकालना क्या है उस पर गौर करिएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो पहले हम a इंटू बी को ज्ञात कर लेते हैं तो इसलिए a इंटू बी बराबर a वाला इंटू बी वाला फिर उसके बाद जो है अपना गुणा करके इससे ज्यादा मत जाइएगा a इंटू बी आ जाएगा समीकरण नंबर दो। खाका ऐसे ही पूरा जो खाली रखे तुम लोग ए वाला यहाँ भर लेना बी वाला यहाँ भर लेना फिर गुणा कर लेना गुणा करने के बाद यहाँ तक चले जाना। बात आई समझ में? तो जब यह समझ में आ गई उसके बाद तब यहाँ के बाद फिर क्या होगा ये मान लो तो समीकरण दो तक निकल गया फिर क्या करोगे पुनः जब ये हो गया तो पुनः नीचे उसी के पुनः ए इंटू सी तो ए वाला इंटू सी वाला लिख करके अपना जो है पूरा कर लेना। मान लो आ गया ये तुम लोग अपना करोगे सही तो आ जाएगा समीकरण नंबर तीन बना लेना। अब हमको a इंटू बी माइनस a इंटू सी निकालना है तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी निकालने के लिए ठीक क्या करना पड़ेगा दोनों मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो नीचे इसलिए a इंटू बी माइनस a इंटू सी वाला अब यहाँ a इंटू बी वाला कौन वाला समीकरण दो से यहाँ रखोगे माइनस a इंटू सी वाला समीकरण तीन से यहाँ रखोगे समीकरण दो तथा तीन से। उसके बाद इसके नीचे की प्रक्रिया घटाना उठाना तुम लोग पीछे पड़े ही हो जानते हो सिस्टमेटिक जोड़ घटा लोगे उसके बाद जो है इंप्लाई दैट a इंटू बी माइनस a इंटू सी बराबर जो आएगा ठीक सही सही अगर पूरा कैलकुलेशन सब टोटल ठीक ठाक होगा जोड़ घटाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी गुणा करने में कोई दिक्कत अगर नहीं हुई होगी तो आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। उसके बाद फिर आंसर लिख दीजिए का मामला समझ में आया ठीक। आप ध्यान दीजिएगा तो इस प्रकार अभी तक जो मामला निकल करके आया वो यही है कि गुणनफल जानोगे तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो क्योंकि आगे जितनी भी प्रक्रिया है वो आप बीओ के गुणनफल पे है। तो आप बीओ के गुणनफल पे अपनी बुक से एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा ताकि गुणा करने में कोई दिक्कत ना आवे ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ऐसा करोगे और इतनी प्रिपरेशन इतनी प्रैक्टिस इतनी तैयारी करने के बाद फिर आगे जो क्वेश्चन है वो सब हम हल करवाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।